उत्तराखंड के चंपावत में एक मंदिर बना है जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण द्वारा मारे जाने के बाद उसका सिर यहीं गिरा था। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चंपावत में स्थित घटोत्कच मंदिर की। उससे पहले उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये भीम और हिडिंबा नामक राक्षसी के पुत्र थे। इन्होंने महाभारत के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पांडवों के लिए युद्ध लड़ा था। महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने कौरवों की ओर से कई हजार सैनिकों को मार डाला। घटोत्कच से भयभीत होकर दुर्योधन ने कर्ण से उसे मारने के लिए अमोघ शक्ति अस्त्र का उपयोग करके उनको मारने को कहा। कर्ण ने अस्त्र का उपयोग करके घटोत्कच को मार डाला। ऐसा माना जाता है कि उनका सिर इसी स्थान पर गिरा है जहां पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर चंपावत तामली मार्ग पर मल्ली चौकी के पास ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। यह चंपावत शहर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर को घटकू मंदिर या घटकू देवता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो कुंड दिख रहा है आप लोगों को, घटोत्कच का सिर इसी कुंड पे गिरा हुआ था। देवभूमि उत्तराखंड में करोड़ों देवी देवता वास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अंकल हैं, आगे की कहानी उनकी जुबानी होती है, उनसे सुनते हैं यहाँ की कहानी यहाँ के बारे में। तो अभी हमारे पास यहाँ पे गांव के लोकल हैं, इनका नाम है धर्म सिंह पुजारी जी। ये मंदिर के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे। सर, बताइए इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर सर जी ऐसा है कि ये भीम पुत्र घटोत्कच का मंदिर हुआ, ये इनका सर गिरा हुआ है। अच्छा। और इनकी माता जी हैं जो हिडिंबा, वो राक्षसी थी। अच्छा। उनका भी मंदिर पास में ही, ये हिडिंबा, ये गौड़ी पावर हाउस रोड में सीधे जाके वो मिलता है वहाँ। अच्छा। तो ये कुंड की ही यहाँ विशेषता पूजा होती है। अच्छा। और मतलब किस तरीके से यहाँ धड़, मतलब कैसा सिर कैसे गिरा यहाँ पे? सिर वो लड़ाई में, जब कौरव पांडव की लड़ाई चली थी ना। अच्छा अच्छा। तो धड़ कहीं गिरा, सर कहीं गिरा। जैसे कुल्लू मनाली में है, वहाँ कुछ औरंग गिरे हैं। अच्छा। चंपावत नगरी में जो है कि ये आपका सर गिरा है, और राजस्थान में कुछ और धड़ गिरे हैं। अच्छा। कुछ अन्य और गिरे हैं वहाँ। तो जो है कि मुख्य सर जो है कि ये चंपावत नगरी में। अच्छा। जो कि उत्तराखंड में हमारा सिर्फ एक चंपावत डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे धड़, मतलब सिर गिरा हुआ है ना। अच्छा। तो बात यह है कि यहाँ जैसे अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हो रही है, तो इसी कुंड में जो है कि 5 बच्चे जिनका जनेऊ हो गया हो। अच्छा। तो जैसे हिडिंबा में जैसे नौले से पानी, या फिर धर्मशिला जो शुद्ध स्थान है वहाँ से पानी, 5 घड़े जी, तो लाने के बाद उस घड़े को जहाँ पर सर गिरा है, उस कुंड में वो 5 घड़े भरे जाते हैं। अच्छा। अगर बरसात होने वाली होगी तो 5 घड़ों से वो कुंड जो है भर जाएगा, वरना अगर ना होने होगी तो लाखों डाल दो भरेगा। अच्छा अच्छा। ऐसा तो है। वो बताते हैं कि वो जल जो है कि हिडिंबा में जाता है। अच्छा। मतलब ये सुनी हुई बात नहीं हमने। हाँ। तो अक्सर ये है, मतलब यहाँ का जो है का। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे यहाँ पे सुनने में आया है कि 5 पांडव का यहाँ पे, ये 5 पांडव यही है। अच्छा। आइए मैं बताऊँ। अच्छा। ये है 5 पांडव, एक से बढ़ के एक होंगे। एक तो उसके पीछे, इसके पीछे है वो जो ये वृक्ष है ना, इसके बगल में है। अब वो दिख नहीं रहा है। अच्छा।
तो इस साइड से मैं साइड से देखते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा फर्स्ट देखिए, एक दो तीन चार पाँच, ये एक से बढ़ के एक है वहाँ से भाई हुई। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पांच बहुत बड़े विशाल काय वृक्ष हैं जो देवदार के पेड़ हैं, जो कि इनको पांच पांडवों पांच भाइयों का वो माना गया है। तो यहाँ पे एक तालाब है ना, उसकी भी एक कहानी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे जी। तो जो था कि चंबा नगरी जो है ना, ये हम लोगों को यहाँ जो हम लोग निवास करते हैं, मूल निवासी चंबावत के हम लोग, तो यहाँ जो है कि कुंभकर्ण की खोपड़ी गिरी हुई बताते हैं। अच्छा, तो ये कुंड था पूरा पूरा एरिया चंबावत जो पूरा कुंड पानी का तालाब था। अच्छा अच्छा, तो बाण मारने के अर्जुन ने जब बाण मारा तो ये नीचे बाण ढाल है तो पानी जो है नीचे को बचता है। अच्छा, ये नीचे जो नदी जो आप आए होंगे तो उसको कहा जाता है बहुत पवित्र नदी, उसका नाम है उत्तर वाहिनी। अच्छा, उत्तर को बचती है, उत्तर को जाती है, वहाँ लगा है ना। जी जी, तो जैसे कि लोग तो कहेंगे कि भाई उसका ढलान नीचे हो तो नीचे को तो जाएगी जाएगी, तो कहने का मतलब है उसको उधर को बहना था। हाँ। अगर उत्तर वाहिनी सबसे सुंदर बहुत नदी मानी जाती है, सबसे सुंदर स्थान। अच्छा अच्छा, दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया है कि चंपावत जो एरिया है ये टोटल ये तालाब था, ये भी उनकी खोपड़ी बोली गई है, कुंभकर्ण की खोपड़ी। अभी उस पर पूरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट स्थित है। काफ़ी अच्छी जानकारी दी इन्होंने, काफ़ी अच्छा बताया हमें इस क्षेत्र के बारे में, एरिया के बारे में, मंदिर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और दूसरा ये है, विशेष कार्य हो जैसे शादी विवाह पार्टी वगैरह वगैरह कुछ हो, जैसे शुभ काम है, तो मान लिया जाए जैसे मौसम बबराल हो जाता है, भयंकर रूप ले लेता है। हाँ। जैसे बरसात आई जाती है। हाँ। तो पांच बत्ती यहाँ धूप बत्ती जलाओ, अगर नी टाइम है तो अपने घर से ही कह दीजिएगा इनको नाम से चढ़ावा कि मेरे कार्य सफल करना, मैं जरूर आके अपने बत्ती जलाऊंगा, तो पता नहीं लगता कहाँ चली जाती है। अच्छा अच्छा, ये बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये बात है, यहाँ के बहुत मानता है, मतलब बहुत ही अच्छा स्थान है यहाँ घटकू में, और बड़े बड़े लोग बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, और ऐसे जैसे आप वीडियो बनाते जी, हैं, बनाते हैं। जी जी, यहाँ मेला भी लगता है। हाँ जी, ये आने वाला है मेला। अच्छा, कब लगता है? नवरात फर्स्ट से। अच्छा, डोला वगैरह जाता है यहाँ से, इनकी कोई बहन है। अच्छा, उमरगाँव में झाली माली, तो वहाँ से यहाँ डोला आता है, वहाँ वो अपने मायके आती है। अच्छा, ससुराल उधर हुआ तो हम लोग उसको लेने जाते हैं, फिर डोले से वगैरह से। हम लोग तो खैर दुकान पे हुए हैं। हाँ। तो और भाई बंधु जो परिवार, मतलब गांव के लोग जो भी हैं, और ढोल लगाड़ के साथ, तो पूरा लोग जाएंगे वहाँ। फिर जाने के बाद फिर शाम को यहाँ लाएंगे, फिर दसवीं के दिन तो अपने ससुराल चले। अच्छा अच्छा, पूरे नौ दिन का मेला लगता है। दस दिन का मेला लगा, फर्स्ट नौ से पड़वा से मतलब, और दसवीं के दिन समापन, ग्यारहवां एकादशी के दिन भंडारा। अच्छा, भंडारा भी होता है। भंडारा होता, काफी तो अच्छा रहा। बहुत भीड़ भाड़, बहुत लोग बाहर से लोग आते हैं, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशियारी, बड़े बड़े लोग यहाँ दुकान सारी भर जाती हैं। जी जी, टोटल यहाँ से लेके हमारी दुकान से लेके यहाँ तक टोटल दुकानें भर जाती हैं, और अच्छा प्रोग्रेस होता है यहाँ, लोग देखने को मिलता है, चांस मिलते हैं कि भाई जैसे आपने कहा कि भाई हम कब जा पाए, कब जाए, वैसे तो बगैर हुक्म का कोई नहीं होता। हाँ, सही तो बात है, जब उसकी आप और हमारा हुक्म था, हम तुरंत मिले। सही बात, तो है, बकरी बहुत कम लगा उधर ही। हाँ, ये भी एक सौभाग्य होता है ना। पंडित जी हैं तो ये यहीं पर नौला है, घड़ोस वीर घड़ोस का नौला, जहाँ से हम लोग पानी शुद्ध जल लाते हैं। जी जी, और सुबह जब हम लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं तो नौले से ही जल लाया जाता है, वहाँ साफ सफाई, नहलाई धुलाई, जल चढ़ाना तो नौले के ही पानी से चला जाता। अच्छा अच्छा, बाहर का कोई बाहर पानी, का पानी जैसे ये नल में आता है। हाँ, इनका है, उसका यूज नहीं, यूज नहीं करते हम लोग जो पुजारी लोग हैं ओरिजिनल, तो इसमें जो है कि हम लोग शुद्ध जल ही चलाते हैं। जी जी, ये पास में नौला है, बहुत सुंदर पानी, बहुत ठंडा शीतल पानी, बर्फ कुछ नहीं हुई, ये पास में नौला है जी। तो दोस्तों सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, मंदिर परिसर के बारे में बताया है, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर, हमारे पुरानी सभ्यताओं को, हमारी पुरानी धरोहर को हमेशा के लिए यहाँ पे सजो कर रखा गया है।
चंपावत का विजिट करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप लोग यहाँ पर आके। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग।